चलो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एसे एडवेंचर में। और आज हम लोग लाइफ चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेके आए हैं। ये है डिफेक्ट ऑफ आई। ह्यूमन आई पढ़े थे, ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है आई का डिफेक्ट, मतलब किसी आदमी को दूर का चीज़ देखने में दिक्कत होता है, किसी आदमी को नज़दीक का चीज़ देखने में दिक्कत होता है। तो ये जो होता है, ये होता है डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है, बहुतों को चश्मा लग जाता है, हमको भी चश्मा लगा हुआ है। तो ये कोई ना कोई आई के डिफेक्ट के कारण ये होता है। तो मेनली दो तरह का डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। एक होता है मायोपिया, नाम को देख लीजिए, बायोलॉजिकल नेम है मायोपिया। और एक है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो ह्यूमन आई का डिफेक्ट है, ह्यूमन आई का डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ आई, तो ये मायोपिया का एक और नाम है नियर साइटेडनेस। ये क्या होता है, नजदीक का चीज हम लोग देख सकते हैं लेकिन दूर का चीज देखने में दिक्कत होता है। तो नजदीक का चीज देखते, मतलब नियर, साइट मतलब देखना, साइटेडनेस मतलब नजदीक का चीज हम देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। या फिर इसको एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नियर का चीज हम लोग देख सकते हैं। और ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस, मतलब दूर का चीज देख सकते हैं, नजदीक का चीज हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो इसका नाम है फार साइटेडनेस, मतलब फार मतलब दूर का चीज देख सकते हैं और नियर का चीज नहीं देख सकते हैं। तो ये दोनों डिफेक्ट है। एक है क्या कि दूर का चीज नहीं देख सकते हैं, नजदीक का चीज देख सकते हैं, तो उसका नाम है नियर। और इसमें क्या है, दूर का चीज देख सकते हैं तो फार साइटेडनेस, नजदीक का चीज नहीं देख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, पर्सन फील डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फार पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर रखा हुआ है, कहीं पर दूर दराज जगह पर रखा हुआ है, तो उसको देखने में हमको दिक्कत होता है। वो थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, ब्लर मतलब क्या होता है, धुंधला, ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से ब्लर, धुंधला। और ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन फील डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर डिस्टेंस, मतलब नजदीक का चीज देखने में डिफिकल्टी होता है, सेम धुंधला दिखाई देगा। इसका कारण अभी सीखेंगे, कारण के पहले इसका उपचार देख रहे हैं, उपचार, रेमेडी, उपचार क्या है इसका। तो कैन बी करेक्टेड, देखो लिखा हुआ है कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, कनकेव लेंस लगाना होता है इसके लिए, कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कनकेव लेंस लगाने से क्या होता है, ये डिफेक्ट चल जाता है। जब तक आप ये लेंस लगा के रखिएगा आंखों में, आपको चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, किसके लिए, मायोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या लगाना पड़ता है, देखो लिखा हुआ है कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। अब सुटेबल फोकल लेंस, सुटेबल मतलब वही एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, तो इसमें लगाना पड़ता है कनकेव लेंस, इसमें लगाना पड़ता है कन्वेक्स लेंस। अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि हाँ दो तरह का डिफेक्ट होता है, दोनों डिफेक्ट में अलग अलग इसका नाम भी है, इसके कारण बताएं, कारण नहीं बताएं, इसके बारे में बताएं कि किसमें दूर का चीज़ देख पाते हैं, नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो ये मायोपिया हो गया। किसमें नज़दीक का चीज़ देख पाते हैं और दूर का चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो सॉरी नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाते हैं और दूर का चीज़ देख पाते हैं, तो वो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। इसको दूर करना तो लगाइए कनकेव लेंस, इसको दूर करना तो लगाइए कन्वेक्स लेंस। अब इसका कारण देखेंगे और इसका रे डायग्राम देखेंगे हम लोग। इसको नोट करिए, डिफरेंस नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ओके, चलिए मिटा देते हैं। इसमें हम लोग इसका रीजन पढ़ेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किस कारण से होता है, ऐसा क्या डिफेक्ट हो जाता है उस आई के स्ट्रक्चर में, वो स्टडी करेंगे हम लोग। ये देखिए यहां पर ये हेल्दी आई है, और ये डिफेक्टेड आई है। हेल्दी आई और डिफेक्टेड आई में फर्क पता चल रहा है आपको, इसका आई बॉल का जो डायमीटर है देखिए ये बढ़ गया। तो इमेज जो बनना है वो इमेज देखिए कैसा बनना है। मान लीजिए यहां पर
एक ऑब्जेक्ट है ओ, और सेम हम यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्ट लिए ओ, सेम दूरी पे, लेंस के सेम दूरी पे। अब ये तो अगर नॉर्मल हेल्दी आई है तो ये अपना इमेज रेटिना पे ही बनाएगा विदाउट एनी डाउट। ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, ये कन्वर्ज हुआ, और ये बन गया जी इमेज, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखिए वही ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, लेकिन अब ये यहाँ पर इमेज ही बनाएगा, वो ठीक है, लेकिन रेटिना कहाँ चला गया? ये देखो यहाँ चला गया रेटिना। यहाँ पर अगर ये इस तरह से इमेज, तो अब यहां पर इमेज बन रहा है, नहीं कि बनना कहां चाहिए, यहां पर बनना चाहिए, तो स्क्रीन पे तो इमेज बना नहीं, स्क्रीन के पहले बन गया इमेज, तो ये क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा इमेज, थोड़ा सा या पूरा धुंधला दिखाई देगा। तो ये मेन कारण होता है मायोपिया होने का, मायोपिया होने का जो है मेन कारण क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल। ये रे डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं क्या, बना ही दीजिएगा अगर डिफरेंस पूछेगा अच्छे से 3 मार्क्स में। तो मायोपिया का मेन रीजन क्या है? इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। इस इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल के कारण ही आपका इमेज जहां बनना चाहिए उससे बिफोर बन जाता है। ठीक है, ये डिफेक्टेड आई था, यहां पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आई बॉल का जो लेंथ होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो फिर कैसे होगा इमेज? ये ऑब्जेक्ट है और ये सेम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल आई है, यहां पर बनाया इमेज। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये रेटिना यहां पर था, रेटिना है तो यहां पर ये, लेकिन इससे पहले इमेज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो यहां पर ये इमेज यहां बन जाएगा, इस तरह से, ये इमेज बना। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए इमेज देखो यहीं पर बना, जहां पर पहले बन रहा था वहीं पर इमेज बना, यहां पर, एक मिनट, यहां पर नहीं, यहां पर, ये वाला, ये वाला, यहां पर, तो यहां पर ही इमेज बना, यहां पर इमेज बना, लेकिन अब स्क्रीन देखो घसक गया, अब स्क्रीन यहां पर चला गया। अब जब स्क्रीन पहले आ गया तो इमेज बाद में बना, आफ्टर द रेटिना, तो ये रेटिना के आपके बाद बना इमेज। तो ये आई बॉल का लेंथ देखो, आई बॉल का डायमीटर देखो छोटा हो गया, जो एक्चुअल डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, ये बताए थे आपको हम ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन में। तो ये 2.5 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए है, अब क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर के बड़ा हो गया ये। तो अगर मायोपिया में 2.5 सेंटीमीटर से डायमीटर बड़ा हो गया तो इमेज बनेगा बिफोर, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, 2.5 सेंटीमीटर ये दूरी है, ये दूरी, तो 2.5 सेंटीमीटर से ये लेंथ छोटा हो गया, तो बन तो रहा है सही जगह, लेकिन बनना चाहिए यहां पर, अब बन रहा है सही जगह पे, लेकिन ये लेंथ जो हो गया डायमीटर ये छोटा हो गया, इसके वजह से क्या हो गया, आपको इमेज जो है बरल दिखाई देगा या फिर धुंधला दिखाई देगा। तो ये क्या है, इलॉन्गेशन का, यहां पर रिवर्स लिख देंगे, शॉर्ट लेंथ ऑफ आई बॉल, आई बॉल का जो लेंथ है वो छोटा हो जाता है, ये डायमीटर छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जो इमेज है वो इमेज कहां दिखाई देता है, आफ्टर द रेटिना बनता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं इसमें
इमेज फॉर्म इस मायोपिया में इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, और यहां पर इमेज क्या बनता है, इमेज फॉर्म आफ्टर रेटिना, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है डिफेक्ट ऑफ आई का। अब इसी में देखिए आपका, अगर मान लीजिए यहां पर लगा दें कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, इसी में यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम को, यहां पर वही आई है वो, और ये है रेटिना, ये ऑब्जेक्ट था। अब यहां पर हम लगा दिए कनकेव लेंस, ये ऐसा, ठीक है। अब ये कनकेव लेंस क्या करेगा, पहले बताइए रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, तो रे को पहले ऐसे फैला देगा, रे को इस तरह से ऐसे फैला देगा, मान लो ये लेंस है आपका, तो ये रे को ऐसे फैला देगा इस तरह से, मान लिए गया, और ये रे को और फैला दिया इस तरह से, ठीक है। तो जब रे को जब ये फैला देगा तो यहां पर ये रे आ गया, यहां पर ये रे आ गया पॉइंट पे। अब ये जाके जब ये कन्वर्ज करेगा, मतलब अब ये यहां पर कन्वर्ज करेगा अच्छे से, इस तरह से ये कन्वर्ज कर जाता है ऐसा, तो ये पॉइंट पे जहां पर बनना चाहिए वहां बनाएगा, तो इस तरह से। अच्छा एक मिनट, यहां पर बनेगा, ये ये इसका शुरू का पोजीशन था, ये बाद का पोजीशन। तो बिफोर रेटिना बन रहा था, मतलब यहां पर बन रहा था पहले, अब यहां पर बनेगा, तो ये कनकेव लेंस इस्तेमाल करके हुआ। रे को पहले क्या किया, रे को पहले फैला दिया, फैला के इसके इन पॉइंट पे ले गया, अब इन पॉइंट पे लेने के बाद ये ज्यादा कन्वर्ट करेगा, हमको रे को ज्यादा कन्वर्ट कराना है तभी जाके ये दूर जाएगा, दूर जाके मिलेगा। तो रे को ज्यादा कन्वर्ट कब कराइएगा, जब रे को कोना में भेजेगा यहां पर, तो रे को ये कॉर्नर में भेज देता है, कॉर्नर भेजने से क्या होता है, रे ज्यादा कन्वर्ट करके दूर जाके मिलेगा, पहले पहले ही मिल जा रहा था, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है आपका, हम जो हमारा ह्यूमन आई होता है। तो ये एक हो गया डायग्राम इसका, जब हम लोग करेक्ट कर लिए ह्यूमन डिफेक्ट को, आई डिफेक्ट को। अच्छा मैं यहां पर मेट्रोपिया में, ये आपका डिफेक्टेड आई है जिसका रेटिना यहाँ घसक गया है, और ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब अब रेटिना यहाँ पर है, तो रेटिना का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, रेटिना पे ही इमेज बनवाना है हमको, तो यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, ये सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, और यहाँ से जब रे निकलेगा, वही वाला रे ऑब्जेक्ट से जा रहा है जो, तो ये रे को पहले ही कन्वर्ट करा देगा, और कन्वर्ट करा देगा। देखिए बात वही है कि अगर आपको पहले मिलवाना है तो रे को थोड़ा नीचे रखिए, और अगर दूर जाके मिलवाना है तो रे को कॉर्नर में रखिए। तो हमको पहले मिलवाना है ना यहाँ पे, तो रे को थोड़ा नीचे रखे, तो नीचे कौन करेगा, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो रे को क्या करेगा, पहले ही नीचे कर देगा वो, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, रे को ऐसा दबाता है, तो रे को ऐसा दबाया और यहाँ पर मिलाना चाहिए वहां मिला दिया। तो ये कन्वेक्स लेंस हम लोग पहले लगा दिए, सुटेबल फोकल लेंथ का लगा दिए, तो ये रे को पहले ही मिलवाया और इमेज जहां पे बनना चाहिए था वह बन गया। ये आपका करेक्ट रेमेडी से आपका डिफेक्ट दूर हो गया। तो इस तरह से ये डिफेक्ट के बारे में पूछेगा, तो पहले डिफेक्ट का इंट्रोडक्शन, रे डायग्राम, और फिर उसके बाद इसका
कारण, कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये आपका पूरा लाइव चैप्टर आज खत्म हो रहा है इस लेक्चर के साथ। बहुत लंबा लेक्चर चला, 30 या 31 लेक्चर्स हैं और ये सारा हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। और वीडियो को आप देखिए अच्छे से, उसमें एक एक पॉइंट नोट करिए, कॉपी जब भी बैठें तो लेके बैठें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर, तो वो भी आपके इसी तरह से ब्रीफली डिफाइन होगा और फिर एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादा है नहीं, न्यूमेरिकल ना के बराबर है, ज़रा तो डायग्राम ही है, ठीक है। तो इससे तरह से हम लोग काम करते रहेंगे और आप लोग भी पढ़ते रहिए, एग्जाम्स का डेट आ गया है आप लोग का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।